कहानी का नाम है मसीहा की आंखें। देश कठिन परिस्थितियों के भंवर में फंसा डोल रहा था। लोकतंत्र का सूरज अब डूबा कि तब डूबा वाली स्थिति थी। बुरी तरह से डरी हुई जनता चुप थी, अडोल। कहीं कोई जुम्बिश नहीं हो रही थी कि तभी परिवर्तन का मसीहा उठ खड़ा हुआ, क्रांति की अलख जगाने के लिए। सोए हुए लोग जैसे अचानक हचकचा कर नींद से उठ बैठे। जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां मसीहा के नाम पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। अपनी बुलंद आवाज में मसीहा ने देश और समाज के हालात बयान करने शुरू किए। दम साध कर बैठी जनता गौर से सुन रही थी। उस समय वो भूल गई कि चारों तरफ आग्नेयास्त्रों से लैस भारी पुलिस बल घेरा डाले खड़ा है। बहुत संभव है कि ऐसे नाजुक मौके का फायदा उठाकर कोई सिरफिरा कुछ ऐसा कर बैठे कि पुलिस को गोली चलाने का बहाना मिल जाए। सैकड़ों लोग मरे, हजारों घायल हों और मसीहा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाए। सो आयोजकों ने पक्का इंतजाम किया था कि किसी भी तरह की बदअमनी फैलने ना पाए। भीड़ का क्या भरोसा, अंजाम के बारे में कहां कुछ सोचती है वो। ऐसे में ही तो बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। उस दिन भी आखिर हो ही गया। एक सिरफिरा बिजली की फुर्ती से मंच पर चढ़ गया और मसीहा के हाथ से माइक छीन लिया। आयोजक सोच समझ ही न पाए यह सब कैसे हो गया। अप्रत्याशित को देखकर वे हक्के बक्के रह गए। सभा में दहशत ना सन्नाटा पसर गया और कुछ पल बाद आयोजकों में भागा दौड़ी मच गई। सिरफिरे को पकड़कर मंच से नीचे फेंक देने को तत्पर लोगों से मसीहा ने शांत रहने की अपील करते हुए उस युवक की बात सुन लेने का आग्रह किया। हुआ यह था कि सिरफिरे ने मंच पर जाकर मसीहा से सवाल करने की इजाजत मांगी थी, जो व्यवस्था और सुरक्षा के नाम पर उसे नहीं मिली। सो उसे ये दुस्साहस करना पड़ा। माइक अब उसके हाथ में था और मसीहा उसके सामने। महामना, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए, जरूर पूछिए। इस जन विरोधी सरकार से सत्ता छीन क्यों नहीं गई? संघर्ष का बिगुल बजाते बजाते मसीहा के पांव थक चले थे और हाथों में ताकत की कमी महसूस होने लगी थी। आंखों की ज्योति धुंधला रही थी और गुर्दों की क्षमता घट गई। लेकिन सिरफिरे के सवाल से जैसे उसकी जीवनी शक्ति में अचानक इजाफा हो गया। पाँव में जैसे शक्ति लौट आई, हाथ भी बानों दूनी शक्ति से संपन्न हो उठे। दूर, बहुत दूर क्षितिज में उसे परिवर्तन का सूर्य उगता नजर आया। कुछ पल चुप रहने के बाद मसीहा ने सिरफिरे से पूछा, ये गुवाहाटी है, असम की राजधानी, और मैं असम के लोगों को और देश के दूर दराज इलाकों से आए आप सब लोगों को दिल्ली की असलियत बताना चाहूँगा। पहले ही बता दूं कि टाइम्स से इसलिए नहीं जुड़ी थी कि लेखन या पत्रकारिता को लेकर मेरे कोई सपने थे या मैं कोई जन्मजात लेखिका थी अथवा पत्रकारिता मेरे बाप दादा का पेशा थी। न मम्मी और न ही पापा ने चाहा था कि पत्रकारिता को पेशे के तौर पर अपनाऊं। इन बातों में कोई भी बात ऐसी नहीं है जिससे दूर दराज का भी अपना संबंध जोड़ सकूं।
सच तो यह है कि पत्रकारिता से पढ़ने लिखने का जितना गहरा संबंध है, मेरे बाप दादा को पढ़ने लिखने से उतनी ही विरक्ति थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ, सरकार ने पढ़ने लिखने की कुछ ऐसी हवा बहा दी कि हिंदुस्तान का घर घर शिक्षा की रोशनी से जगमगा उठा। हवा बही थी तो हमारे गवई कस्बे तक भी आनी थी, और घर की बड़ी संतान होने के नाते मुझे स्कूल जाना था तो स्कूल गई और फिर कॉलेज भी। हेमेट कर ही रही थी कि एक दुर्घटना में पापा चल बसे। घर में कमाने वाले सिर्फ वही थे, सो घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पाया। दिल्ली के YMCA में एडमिशन दिलवा पाने में मामा जी सफल हो गए, और फिर डिप्लोमा हासिल कर लेने के बाद ट्रेनी जर्नलिस्ट के रूप में टाइम्स से उन्होंने ही जोड़ दिया था, अन्यथा सिर्फ 50 किलोमीटर दूर होने के बावजूद दिल्ली हमारे लिए बहुत दूर थी। हमारा दफ्तर मुख्य सड़क पर है, बस स्टॉप के एकदम पास। खिड़की के सामने वाली कुर्सी पर बैठी हिंदू के पन्ने पलट रही थी कि नज़र सड़क की ओर चली गई, किसी की अर्थी जा रही थी। एकाएक दिमाग में सवाल उठा, क्या दिल्ली में भी लोग मरते हैं? दिल्ली आए यही कोई 2 साल हुए हैं, इस दौरान पहली बार अर्थी देखी। कितनी भीड़ है यहाँ, लगता ही नहीं कि दिल्ली में रहने वाले कभी मरते भी होंगे। सहसा अपने छोटे से गवई कस्बे के कुछ दृश्य उभर आए। कहीं दूर से उभरती राम नाम सत्य है की आवाज़ जो तेजी से करीब आती, तब मम्मी के मुंह से अचानक निकलता, कौन चला गया इतनी सर्दी में, या किसका काल आ गया इस बारिश में, या फिर कौन चल दिया दिवाली के दिन। कस्बे के किसी भी परिवार में कोई गुजर जाता तो खबर हवा की तरह अपने आप सब तक पहुंच जाती। 7 बजे से पहले कोई दरवाजे पर दस्तक देता तो हम दरवाज़ा खोलने न जाते, प्रायः पापा ही जाते, और तब मम्मी गुदगुदाती, कौन चला गया इतनी सुबह। पापा आशंका जताते, महेश की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी, कहीं वही तो नहीं गुजर गया। दरवाज़ा खोलने पर जान पहचान के 2-4 लोग सामने खड़े होते और किसी के गुजर जाने की सूचना देते, लेकिन उनमें से कोई भी घर के अंदर न आता। पापा भी जल्दी जल्दी कपड़े बदलते और जूते पहनकर उनके साथ चल देते। मम्मी की दिनचर्या भी ऐसे दिनों में बदल जाती। अन्य दिनों में तो वो सारे काम निपटाकर सुबह 9 बजे तक नहा धो लेती, लेकिन ऐसे दिनों में वह और काम तो करती रहती लेकिन नहाती नहीं थी, और फिर मुझे इलाज देने लगती। पापा आएंगे तो उन्हें ये कपड़े दे देना, वे तो गंगा घाट जाएंगे लेकिन मुझे भी जाना पड़ेगा और लौटने में 12-1 बज जाएगा, आज मेरा और तुम्हारा ही खाना बनेगा, पापा तो शाम देर तक ही लौट आएंगे। कहते हुए वे हल्की बदरंग साड़ी लपेट लेती तो मैं कहती, यह नहीं कोई ठीक सी साड़ी पहन कर छा, वहाँ इतने लोग आएंगे सबके सामने अच्छी लगेगी ये। इस पर वे डांट देती, वहाँ क्या किसी की शादी हो रही है, किसी को होश ही नहीं होगा कि किसी की साड़ी वाली देखने। इस तब मैं कहती, अच्छा चाय तो पीकर जाओ। तब वह मुझसे समझाती, ऐसे में मन नहीं करता कुछ खाने पीने का, अब लौट कर ही कुछ खाऊंगी पीऊंगी। और फिर वे भी पापा की तरह तेज कदमों से निकल जाती, मानो वहाँ उनका भी इंतज़ार हो रहा होगा। उनके जाने के बाद मैं घर के कामों में लग जाती, तभी कोई दरवाज़ा थपथपाता, अरी गुड़िया पापा हैं घर में? दरवाज़ा खोलते हुए कहती, वे तो नहीं। अच्छा चले गए, ठीक है दरवाज़ा बंद कर लो। किसी को बताने की ज़रूरत न पड़ती कि पापा कहाँ गए हैं, पूछने वाला समझ जाता कि वो कहाँ गए होंगे। फिर 11-12 बजे के आसपास पापा आते और कहते, लाओ मेरे कपड़े। कुछ रुपए लेते और जेब में डालकर चल जाते। पापा चाय तो पी लो,
नहीं, सब कुछ तैयार है, भैरव घाट ले जा रहे हैं, कहीं निकल न जाएं, कहते हुए वे तेज कदमों से निकल जाए। किस मोहल्ले की है और किसकी मौत हुई है? अर्थी के गुजर जाने के बाद मम्मी उस घर की औरतों का इंतजार करती जो मंदिर में हाथ धोने की रस्म अदा करने जाती। उनमें से किसी से माँ पूछ लेती, कौन था, उम्र क्या थी, क्या बीमारी थी। फिर अंदर आकर दो एक सेकंड दो खत्म हो गई। उनसे उससे एकदम अलग है दिल्ली की ये अर्थी। लोग बहुत शांत और लगभग मौन चल रहे हैं। राम नाम सत्य है भी कोई नहीं बोल रहा। शायद उन्हें झिझक हो रही है सड़क पर जोर से बोलने में। बमुश्किल 10-11 लोग हैं अर्थी के साथ। वे भी इधर उधर बिखरे बिखरे से चल रहे हैं। लग रहा कि जैसे जबरदस्ती लाया गया है उन्हें। अपने अपने कामों में लगे होंगे या घर में बैठकर टीवी देख रहे होंगे। दिल्ली में किसके पास समय है मरते हुए लोगों के लिए? और मरे हुए आदमी के लिए वे क्यों अपना समय बर्बाद करें? वैसा दिल ही नहीं है दिल्ली वालों के पास जिसमें गांव कस्बे के लोगों जैसा अपनत्व होता है। धन्यवाद। Thanks for the story. So in the first story, you have create a familiar situation in our society, and in the second story, you have narrated the heartlessness of a city. Thanks for the two beautiful stories. Now the next participant.